अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग जिंजर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आप सबके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट लेके आया हूँ और अपडेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के बारे में। इस वक्त आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मैथ्यू हेडन इस वक्त मौजूद हैं और वो एज हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो निभा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का अगला हेड कोच कौन होगा उसके बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि कौन पाकिस्तान का अगला हेड कोच हो सकता है अगर वर्ल्ड कप के बाद मैथ्यू हेडन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले क्या मैथ्यू हेडन चेंज होंगे भी या नहीं होंगे? तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है तो क्या सत्यनारायण मुश्ताक और मैथ्यू हेडन को निकाला जाएगा, क्या वॉर्नर फर्नांडिस को निकाला जाएगा, वो सबसे पहले देखने वाली बात है। आई थिंक मैथ्यू हेडन और वॉर्नर फर्नांडिस जो है वो बैटिंग और बॉलिंग कंसल्टेंट रहेंगे इवन अगर पाकिस्तान फाइनल में जीत जाए। अगर फाइनल जीत जाते हैं फिर तो हो ही जाएंगे, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं तो आई थिंक ये दोनों रिमेन रहेंगे एज बैटिंग एंड बॉलिंग कंसल्टेंट। लेकिन अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और फिर सत्यनारायण मुश्ताक को एज हेड कोच जो है निकाला जाता है, उसमें मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं होगा, ये गलत फैसला होगा। क्योंकि भाई जिस बंदे ने आपको वर्ल्ड कप जितवाया उसको आप ऐसे थोड़ी निकालोगे ना, मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। बट विल सी अबाउट दैट के किस तरह जो है ना बैठता है नतीजा। और लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट आया हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो अगला हेड कोच है उसके जो नाम आ रहे वो आ रहे थे गैरी क्रिस्टन का। और गैरी क्रिस्टन आप सबको पता भी होगा इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कोच रह चुके हैं, जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था और आई थिंक अभी स्कॉटलैंड की भी उन्होंने कोचिंग की इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन एक अच्छे कोच हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीकन एक हैं वो गैरी क्रिस्टन। और इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो अगले कोच होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो गैरी क्रिस्टन होने जा रहे हैं। अब लेट्स सी इसमें कितनी हद तक सदाकत है कितनी हद तक नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छा फैसला हो सकता है। और जहाँ तक बात रही थी काफ़ी लोग कह रहे थे शायद वसीम अकरम को अगला हेड कोच बनाया है, वसीम अकरम हो सकते हैं या वसीम अकरम को कोई और होता मिल सकता है पीसीबी के अंदर। मुझे देखा है एक दो जगहों के ऊपर इसको भी, बट ऐसा नहीं होने जा रहा है। वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच नहीं होंगे, गैरी क्रिस्टन का नाम सामने आया। और जो भी लोग कह रहे थे कि भाई वसीम अकरम होंगे उन सबको पता चल गया। और जहाँ तक बात है कि सोर्स की, ये मेरी न्यूज़ नहीं है ना, मैं आपको दे रहा हूँ इसका आप सोर्स जो अगर आप कहते हैं वो न्यूज़ का इंडियन एक्सप्रेस है, क्योंकि काफ़ी रिलायबल एक न्यूज़ देने वाली वेबसाइट है। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद आज भी वर्ल्ड कप में मैचेस होने, इंटरेस्टिंग होगा देखना और काफ़ी क्रिकेट के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। और आप लोग अपना फीडबैक लाजमी दें कि भाई किसको पाकिस्तान का हेड कोच होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि कौन अगर पाकिस्तान का हेड कोच होगा तो अच्छा रहेगा, कौन होगा तो बुरा रहेगा। मेरे ख्याल से अगर गैरी क्रिस्टन होते तो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है तो फिर सत्यनारायण मुश्ताक को निकालने का कोई तुक भी नहीं है। तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर दें, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करें और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। बाय बाय।